पीटीटी काउंसलिंग से जुड़े समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसमें एक तो साथियों बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए कि बहुत से साथियों के कमेंट्स थे कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी गड़बड़ियाँ थी, किसी की कैटेगरी गलत है तो किसी के नाम में करेक्शन की ज़रूरत है। तो साथियों, पीटीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में अब एक टैब भी स्टार्ट कर दिया है, करेक्शन पैनल, उसमें जाकर के आपको अब आखिरी बार अपने आवेदन में सुधार का मौका दिया गया है। यदि जिन साथियों ने अभी तक इस टैब को नहीं देखा है तो वहां जाकर के करेक्शन पैनल में अपने एप्लीकेशन नंबर डाल करके और फादर नेम, मदर नेम और शम का नाम डाल करके और जो आपका फॉर्म खुलेगा उसमें करेक्शन कर दीजिए। ये आखिरी मौका है साथियों, ज़रूर आवश्यक रूप से अपना करेक्शन कर लीजिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथियों, कई साथियों कमेंट थे कि ये बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट क्या होते हैं, काउंसलिंग के समय आपको ये दो टीचिंग सब्जेक्ट भी भरने होंगे। तो आपको ये बात स्पष्ट कर दें कि बीएड में 5 या 6 जो पेपर होते हैं वो जनरल पेपर होते हैं, सभी चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के। इसके अलावा जो दो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो आपको चूज करने होते हैं। यदि पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप आर्ट्स से, तो सिविक्स हिस्ट्री आदि पॉलिटिकल आदि को चूज कर लीजिए। यदि हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास रहा है तो हिंदी संस्कृत इंग्लिश को चूज कर लीजिए। साइंस के जो विद्यार्थी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी ऑप्शन मिले, हिंदी इनमें से जो सब्जेक्ट चूज करें कर लें, क्योंकि ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट ही आपके निर्धारक होते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए 6 तारीख से महाविद्यालय चयन का ऑप्शन खुलने वाला है। तो जब आप कॉलेज का चयन करें तो बहुत ही सावधानी के साथ में करें साथियों, क्योंकि कॉलेज का चयन करने के बाद आपको यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ आज अंत तक बने रहिए। और साथियों, यदि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो पीजीटी, बीएसटीसी और राजस्थान की परीक्षा और शिक्षा बेरोजगारी से संबंधित प्रत्येक वीडियो समय पर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले साथियों बता दें, ये टैब करेक्शन पैनल का प्रारंभ किया गया है पीटीटी के द्वारा। आप इस पर जाइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और स्वयं का नाम, फादर नेम, मदर नेम डालेंगे, सबमिट करते ही आपके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ जो भी आपकी अशुद्धियाँ हैं उनको वेरीफाई करिए और सबमिट कर दीजिए, आपका करेक्शन हो जाएगा। ये आखिरी मौका है, इसको आवश्यक रूप से कर लीजिएगा, अन्यथा बाद में आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये आवश्यक सूचना थी जो कि करेक्शन से रिलेटेड थी। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी बात की तरफ। 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं उन साथियों के महाविद्यालय चयन का जो ऑप्शन है वो अब 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो 6 जुलाई से उनके कॉलेज ऑप्शन जो चूज कर रहे हैं वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। साथियों, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वालों के लिए भी और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वालों के लिए भी कॉलेज चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको मैं समझा देता हूँ। जनरल कैटेगरी में यदि आप मेल हैं और आपके 230 नंबर हैं, जनरल कैटेगरी में महिला के 210, ओबीसी में 220 पुरुष, 200 महिला, एससी कैटेगरी में 200 पुरुष, 180 महिला, एसटी में 200 पुरुष, 180 महिला, ये अभ्यर्थी प्रारंभ में अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज, फिर निकटवर्ती जिलों के लगभग कम से कम 100 कॉलेजों को चूज कर लें। इसके बाद आल राजस्थान का ऑप्शन दे देवें, शुरू में आल राजस्थान ऑप्शन ना देवें। यदि आपके 100 कॉलेज आपको मिल जाते हैं तो निकटवर्ती कॉलेज भरें, नहीं मिलते हैं तो अगर मिलना होगा तो 100 कॉलेज मिल जाएगा, नहीं फिर आपको ऑल राजस्थान ऑप्शन भर देना है। लेकिन जिन साथियों के जनरल कैटेगरी में 340, ये मैं कला वर्ग की बात कर रहा हूँ साथियों, जनरल कैटेगरी में 340 नंबर हैं पुरुष के, महिला के 320, ओबीसी में भी 340 प्लस पुरुष और 320 प्लस महिला, एससी में 300 प्लस पुरुष, 280 प्लस महिला, इसी प्रकार एसटी में 300 प्लस पुरुष और 280 प्लस महिला है,
उनको अपने टॉप 10 कॉलेज मिल जाएंगे। वो अपने निकटवर्ती कॉलेजों को भरें, होम डिस्ट्रिक्ट के 50 कॉलेज चूज कर लें, आपको जो टॉप 10 कॉलेज हैं उनमें से मिल जाएगा। अगली काउंसलिंग रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आप अच्छी तरह समझ लें, पुरुष कैंडिडेट हैं तो आप सी कोडिंग वाले कॉलेज को चूज करें, इसका अर्थ होता है को एजुकेशन, अर्थात इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। महिला अभ्यर्थी डब्लू कोडिंग वाले कॉलेजों को चूज करें, इसका अर्थ होता है स्पेशल फॉर विमेन, क्योंकि विमेन कॉलेज उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में मिल जाएगा, इसलिए महिला अभ्यर्थी डब्लू वाले कॉलेजों का ही चूज करें। साइंस वाले साथियों की बात कर लेते हैं कॉलेज चयन में। साइंस में जिन साथियों के जनरल में 330, ओबीसी में 330, एससी 310 और एसटी 310, ये साथी होम डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेज रखें अपने ऑप्शन में, कम से कम 100-150 कॉलेजों का चयन करें। होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज समाप्त होने के बाद निकटवर्ती डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज रखें और इसके बाद ऑल ओवर राजस्थान ऑप्शन रखते हैं। साइंस में जिन साथियों के जनरल कैटेगरी में 380 नंबर हैं, ओबीसी में 380 प्लस हैं, एससी एसटी में 350 प्लस हैं, वे साथी भी टॉप 10 कॉलेजों में काउंट हो जाएंगे, अर्थात आपको टॉप 10 कॉलेजों में से ही कॉलेज मिल जाएगा। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लगभग 50 कॉलेज यदि हैं तो भर दीजिए, अन्यथा आपको आपका डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज शोर इतने नंबर पर मिल जाएगा। तो साथियों, महाविद्यालय का चयन बहुत ही सावधानी से सोच समझ करके करें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वह टीचिंग सब्जेक्ट की। साथियों, बहुत से साथियों के कमेंट थे कि ये टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। आपको बता दें, टीचिंग जो सब्जेक्ट हैं ये वो सब्जेक्ट हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हैं। इसके लिए यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, दर्शन शास्त्र आदि सब्जेक्ट आपके पास रहे हैं तो आप सिविक्स को, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल आदि को चूज कर सकते हैं। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या हिंदी में आदि में से कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। साथियों, आपको एक बात स्पष्ट कर दें, ऐसा नहीं है कि आपने टीचिंग सब्जेक्ट में हिंदी नहीं ली तो आप हिंदी सेकंड ग्रेड टीचर नहीं बन सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बीएड के दौरान काफ़ी साथी बंधु इससे भ्रमित हो जाते हैं, बिल्कुल भी इससे आपको भ्रमित नहीं हो रहे हैं। यदि आपने हिंदी नहीं भरा है तो भी आप हिंदी के सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लायक हैं। टीचिंग सब्जेक्ट केवल टीचिंग आपके एक्सपीरियंस को, टीचिंग में आपकी योग्यता को परखते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होते हैं, चाहे साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स या फिर आर्ट्स का। केवल टीचिंग सब्जेक्ट दो होते हैं जो आपको चूज करने होते हैं। बहुत से साथियों के इसके संबंध में कमेंट थी कि टीचिंग सब्जेक्ट का बीएड में महत्व क्या है। बस टीचिंग सब्जेक्ट का साथियों आपको बता दें, बीएड में इतना ही महत्व है कि इसके द्वारा आपको दो ऑप्शनल ये टीचिंग सब्जेक्ट लेने ज़रूरी होते हैं जो आपके एकेडमिक ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो साथियों, ये तीन महत्वपूर्ण निर्देश अपडेट थी पीटीटी से संबंधित जो हम आपके सामने लेकर आए, जिनमें नंबर वन, आपको अपना करेक्शन करवा लेना है 100%, फिर मौका नहीं मिलेगा। नंबर दो, महाविद्यालय का चयन अच्छी तरह से करना है, पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेजों को चूज करना है, इसके बाद अपने निकटवर्ती कॉलेजों को चूज करना है। नंबर तीन, टीचिंग सब्जेक्ट अपने एकेडमिक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के आधार पर ही चूज करें। यदि आपके पास हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट रहा है तो एक लैंग्वेज चूज कर लें, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, फिलोसफी रही है तो एक सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लें, साइंस वाले विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई सब्जेक्ट चूज कर लें, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट दो ऑप्शनल होते हैं जो आपको चूज करने होते हैं, बाकी 5-6 जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो साथियों, ये तीन महत्वपूर्ण अपडेट थी जो हम आपके सामने लेकर आए। यदि आपकी फिर भी पीटीटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके प्रत्येक कमेंट को रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। रिप्लाई नहीं करेंगे तो साथियों, समय के अभाव में वीडियो बना करके उसकी कमेंट को आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो साथियों लाइक ज़रूर देना, और आप पीटीटी से रिलेटेड क्या जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो पीटीटी से रिलेटेड
तमाम जानकारी सबसे पहले और प्रमाणिक रूप पर से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, यह राजस्थान के शिक्षार्थी और बेरोजगारों से जुड़ा हुआ चैनल है। आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का हम पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।